महाराष्ट्र की जनता ने कंगना रनावत का ज़बरदस्त विरोध किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 मुंबई, आइए हम आपको दिखाते हैं वहां के कुछ क्षण। महाराष्ट्र की संस्कृति के तहत हम गांधीगिरी से फ्लावर देके कंगना रनावत का निषेध करने आए थे, लेकिन कंगना रनावत पीछे के रास्ते से ही अपने घर पहुंच गई है। आज हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि दोनों मुंबई है, और आप पर प्रांत से आके यहाँ नेम और फेम कमाते हो, उसके बाद में मुंबई को कुछ भी बोलते हो। पीओके मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर? तो ऐसा आपने यहाँ क्या देखा? आप 15 से 17 साल मुंबई में आपने अपना नाम बनाया, अपना नेम फेम इज्जत और आपके पैसे जो भी कुछ है वो आपने मुंबई, आपको मुंबई ने दिया है, और उसके बावजूद भी आप मुंबई को बुरा कहते हो। दूसरी बात है हमारी मुंबई पुलिस की, कि आज कसाब जैसे जो आतंकवादी थे उसको जिंदा मुंबई पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर आज जिंदा पकड़ा। आज जो आप पीछे के रास्ते से रनवे से जो आप निकल के आपके घर सुरक्षित पहुंची है, ये भी मुंबई पुलिस की देन है। आज आपने मुंबई पुलिस को कुछ भी बोला, लेकिन आज आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर के बाहर भी आज मुंबई पुलिस ही खड़ी है। उसके बावजूद भी आज भारत के हर एक कोने के आप टैली करो तो मुंबई औरतों के लिए या लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए जो भी कहेंगे, मुंबई आज सेफ है। यहाँ हम 12 बजे के बाद भी रात को निकलते हैं तो हमें कोई खतरा कोई डर नहीं होता है। आप जहाँ रहते हैं हिमाचल, उधर का माहौल देखिए, यूपी बिहार का माहौल देखिए, क्या आप कहते हो? और मैं गृहमंत्री जी से भी ये कहना चाहूंगी कि आप बड़े बड़े नेताओं की जिनकी जान को वाकई में धोखा है उनकी सिक्योरिटी छीन लेते हो, और आप इनको वाई प्लस सिक्योरिटी देते हो। और एक दूसरा अर्णव गोस्वामी, कपिल मिश्रा आपसे जैसे बाहर निकला वैसे उसको आपने दिल्ली दंगों कराने के लिए वाई प्लस सिक्योरिटी दिया। अर्णव गोस्वामी हमेशा से बोलता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, तो भारत ये नहीं पूछता है कि अक्षदा नाइक के केस का क्या हुआ, जिसका कसूरवाद अर्णव गोस्वामी खुद है? पूछता भारत ये नहीं हुआ, पूछता है आपको कि सोहराबुद्दीन केस का क्या हुआ, कौसर भी जहां का क्या हुआ? अर्णव गोस्वामी आप जरा आपके शो रिपल पब्लिक से पूछिए ये पूछता भारत में कि आज अमित शाह क्या जो सोहराबुद्दीन केस है, कौसर भी जहां, इशरत जहां का जो केस है उसका क्या हुआ, गौरी लंकेश उसका क्या हुआ, जस्टिस लोहिया उसका क्या हुआ, संजीव भट्ट जैसे आईपीएस ऑफिसर आज भी गुजरात की जेल में है,
उनकी बीवी जब सुरक्षा मांगती है, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते हैं, अक्षता नाई थी जब आपकी फडणवीस सरकार थी, जब भी आपने उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो मतलब के आपकी सरकार थी, फडणवीस सरकार जब थी, जब 6 महीने पहले कंगना रनौत ने आपकी सरकार के अंदर मुंबई पुलिस का इतना चढ़ बढ़ के वखान की, और आज अचानक से क्या हो गया? कंगना रनौत जी, आप अपनी स्क्रिप्ट जो जिसने लिख के दी है ना, जरा चेक कीजिए। बाकायदा जो भी गुनहगार है उसे शिक्षा होनी चाहिए। वो गुनहगार है, उनका अगर गुना सबूत उनको मिलते हैं तो उन्हें शिक्षा होनी चाहिए। और आप कौन से ये माफिया की बात कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया की बात कर रहे हैं? सब जगह पे ड्रग्स माफिया है। क्यों आपको अभी याद आया? जब ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अभी ये हुआ, जब ही आपको ये याद आया। मैं आपसे ये पूछती हूँ कंगना रनौत, अगर सुशांत सिंह मुंबई का लड़का होता था और बिहार में अगर ये केस होता था, तो यही शाह और मोदी और आपकी जो बिहार की पुलिस है यही सपोर्ट करती थी? इसी तरीके से आपको बड़ा चढ़ा के पेश करती थी? मैं एक बात तो मैंने जान ली है कि जहां पे सारी राजनीति सारे सब फेल हो जाते, आज फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को गिराने में कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। आज भी कोरोना इतनी जल्दी से फैल रहा है, आज सब जगह खोल दिया है, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने हमारे मुंबई के लिए लोकल नहीं खोली है, क्योंकि वो अडानी को उन्होंने बेच चुके हैं। आज लोकल जब खुलेगी, जब अडानी का पोस्टर वगैरह सब रेडी हो जाएगा, उनका MOU आज सब साइन हो जाएगा, उसके बाद में। कंगना रनौत जी, आप ऐसी महामारी में ये सारी चीजें लेके बैठी है, लोग यहाँ मर रहे हैं, लोगों के पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में जाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, ऐसी चीजों को छोड़ के आप ये सारी ट्विस्ट में पड़े हैं। आपको करना है करो ना, आप मुहिम चलाओ ड्रग्स माफिया के खिलाफ। लेकिन ड्रग्स माफिया सिर्फ क्या बॉलीवुड में है? कि मुझे लगता है कि अभी रिजर्व बैंक खाली हो गई, LIC खाली हो गई, ONGC के पैसे निकाल लिए, SBI के पैसे निकाल लिए, तो अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर है वो बॉलीवुड के पैसे पे है। आज मुझे आप ये एक बात बताइए, आज जय शाह 10th फेल है, उससे अच्छा आपका BJP का एक कार्यकर्ता है जो अभी MLA बना है, तेजस्विनी सूर्या, तो क्या आप BCCI का चेयरमैनशिप जय शाह को निकाल के तेजस्वी सूर्या को देंगे क्या? आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा बाजू वाले बेटे से नाकारा रहेगा और वो बाजू वाला बेटा अच्छा है, तो क्या मैं मेरी प्रॉपर्टी उसको लिख के दे दूंगी क्या? ये नहीं होता। तो आप जिधर नेपोटिज्म की भी बात करते हो वहां आप गलत हो। शाह और मोदी क्या कर रहे हैं? नेपोटिज्म ही तो कर रहे हैं ना, सारी चीजें अडानी और अंबानी को ही दे रहे हैं ना, और किसी को दे रहे हैं क्या? जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कंगना रनौत जी ने जो भी स्टेटमेंट किया था कि वो यहाँ पर सुखरूप नहीं है और मुंबई पुलिस क्या कर रही है, तो आज बड़ी ताकत से मुंबई पुलिस यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, तो उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह से स्टेटमेंट करने के। पहले 10 बार सोच लेना चाहिए था। और इस तरह यहाँ पर उनका मैं निषेध करने के लिए आई हूँ। कंगना रनौत, हाँ,